पूर्वी चंपारण जिले के पकड़ीदयाल के राजेपुर नवादा में करोड़ों रुपए की लागत से बन रहे सड़कों में मुखिया के लूटने की खबर के बाद टुडे बिहार न्यूज एक और बड़ा खुलासा कर रहा है। बिहार के सहकारिता मंत्री राणा रणधीर सिंह के विधानसभा क्षेत्र में एक बड़े गबन का टुडे बिहार न्यूज आज खुलासा कर रहा है, जो कि वर्ष 2017 का है, जो कि आप देखकर हैरान हो जाएंगे। तो देखिए इस रिपोर्ट में। पहले तस्वीरों में देखिए, ये फूलों की माला पहने हुए भाई साहब रविंद्र पंडित हैं। भाई साहब एक बड़ा जंग लड़कर जीत हासिल किए हैं। इनकी अर्धांगिनी उमा देवी मुखिया के इलेक्शन में जीत गई है। हाँ, ये तस्वीरें उसी समय की है जब उमा देवी को जीत मिली थी। ये वही मुखिया है जो मनरेगा को लूटने में सिर्फ सिग्नेचर करती है, पूरा का पूरा फंड तो अपना भाई ढक करता है। एक और मनरेगा से बन रहे सड़कों में लूट की शिकायत के बाद मुख्यमंत्री कार्यालय ने ग्रामीण विकास विभाग के मुख्य सचिव को जांच का आदेश दे दिया है, तो दूसरी ओर मुखिया के कारनामे की पुरानी कुंडली टुडे बिहार न्यूज के हाथ लग गई है। कुंडली खंगाले पर तो बहुत सा दोष नक्षत्र दिख जाता है, लेकिन जिस कुंडली को टुडे बिहार न्यूज की टीम ने खंगाला उसमें सिर्फ और सिर्फ घोटाला ही दिख रहा है। घोटाला ऐसा कि आप हैरान हो जाएंगे, परेशान हो जाएंगे, देखकर अवाक रह जाएंगे। सिस्टम चाहे कुछ भी कर ले, लेकिन फ्रॉडगिरी खत्म नहीं होने वाला। अब तो सीएम साहब ने 7 निश्चय योजना ला दिया है। पहले तो लूटने का रास्ता सिर्फ मनरेगा ही था। मुखिया के इस काले कारनामे की इस फाइल को देखिए। फाइल में एक जो खाता दिख रहा है, ये मिट्टीकरण के मजदूर का है। मुखिया ने इससे पूर्व 2017 में मनरेगा योजना से मिट्टीकरण के बाद रिश्तेदार के बैंक में मजदूरों का खाता खुलवाया। बैंक कर्मी महावीर परित ने मुखिया के साथ मिली भगत से मजदूरों के खाता से पैसा निकासी कर लिया। हैरान करने वाली बात तो यह है, जब खाता धारक को पता नहीं चला तो पैसा निकासी कैसे हो गया। इस मामले को लेकर पीड़ित मजदूर अधिकारियों के दफ्तर का चक्कर लगाते रह गया, लेकिन उसे न्याय नहीं मिला। पैसे के बल पर मामले का निपटारा कर दिया गया। ऐसे कई और मामले सामने आए जो सभी बैंक से ही जुड़ा है। बहरहाल देखने वाली बातें होगी जांच के बाद मुखिया और मुखिया पति पर क्या कार्यवाही होती है। ब्यूरो रिपोर्ट, टुडे बिहार न्यूज, पकड़ीदयाल, मोतिहारी।